नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं आलोक की बात। आलोक की बात में आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। कल के एपिसोड में मैंने आपसे चर्चा किया था स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद से जब यह सवाल किया गया था कि आपका देश गुलाम है, आप एक गुलाम देश के गुलाम नागरिक हैं और आप घूम घूम कर दुनिया में, पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने देश को आज़ाद कराना चाहिए, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि कोई भी देश पूर्णतः गुलाम या आज़ाद नहीं होता। कोई भी व्यक्ति गुलाम होता है ज्ञान की कमी के कारण, और मैं वही काम कर रहा हूँ। जब लोग के पास ज्ञान होगा, लोग जब जागरूक होंगे, तो उन्हें कोई भी गुलाम नहीं बना सकता है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक ही देश में कोई देश आज आज़ाद भी हो, आज़ाद है, लगभग दुनिया के तकरीबन जो भी देश हैं वो आज़ाद हैं, लेकिन आप इस समय देख सकते हैं कि इसके बावजूद गुलामी नाम की जो एक चीज़ है, गुलामी नाम की जो एक बात है, वो कहीं ना कहीं आपको देखने में आ जाती है, वो दिख जाती है। ऐसे में ज्ञान का कितना महत्व है, यह आप समझ सकते हैं। मैं आज के इस एपिसोड में महात्मा गांधी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। महात्मा गांधी 1909 में जब लंदन से साउथ अफ्रीका लौट रहे थे जहाज से, उसी दरमियान उन्होंने हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखी, जो कि उनके लिखे गए अलग अलग लेखों का संकलन था, एक निचोड़ था। इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो, या जो लोग भी आप में से पढ़े होंगे, उनको मालूम होगा कि गांधी देश की आज़ादी का पूरा प्लान जो था, और उसमें उनका व्यक्तित्व, उनका जो रास्ता होगा, वह पहले से ही लगभग तैयार कर चुके थे। आप 1909 में लिखी गई उस पुस्तक हिंद स्वराज को पढ़ेंगे, जो कि ये लगता है कि जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए एक विचार ऐसे थे जो हिंसक रूप में आ चुके थे, जो देश को आज़ाद कराने के लिए हिंसा पे उतारू हो गए थे, उनके खिलाफ उनका वो सोच था। और हालांकि आप देखेंगे, जब वो भारत में आए, उन्होंने लगभग 2 साल तक ट्रेन से पूरे भारत का दौरा किया, और एक आम आदमी के तरह दौरा करते हुए, पूरे भारत का भ्रमण करते हुए, उन्होंने यहाँ के लोगों की जो सोच समझ थी उसको समझने की कोशिश की, और हिंसा और अहिंसा में से कौन सा रास्ता सही रहेगा इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए, कहीं ना कहीं यह तब भी उनके दिमाग में चल रहा था। और आप समझ सकते हैं कि इससे भारत की आज़ादी के लिए कौन सा रास्ता निकले, इसके लिए उन्होंने बहुत ही सोच समझकर एक रणनीति तैयार की, और जिसके आधार पर आपको जो लोग भी, जो गांधी को जानते हैं, गांधी को पढ़े हैं, गांधी के बारे में ठीक से जानते हैं, उन्हें ये मालूम हो जाएगा कि गांधी ने ही देश की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, और गांधी का जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का, पूरी तरह से बहिष्कार करने का जो रास्ता था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे ऐसे बहुत से आंदोलन जो चले, उसमें भारत के लिए आज़ादी का रास्ता तैयार हुआ, और विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार हुआ, उससे अंग्रेजों को, जो यहाँ पे उन्होंने उपनिवेश स्थापित कर रखा था फायदे के लिए, आर्थिक फायदे के लिए, उसमें उस रास्ते पर चलते हुए उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। और गांधी की बातों को मानकर देश के लोगों ने जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू किया, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं देश की आज़ादी के लिए हुआ। और आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी, जहां तक
भी हो वो पहले से अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए और कहीं ना कहीं देश को आज़ाद कराने के लिए कम से कम लोग हिंसा का शिकार हों इसका पूरी तरह से प्रयास कर रहे थे और इसी प्रयास के तहत भारत को जो आज़ादी मिली वो कम से कम हिंसा यानी कि भारत के लोग या भारत के बाहर के लोग जिन्होंने उपनिवेश बना रखा था इस देश में जो अंग्रेज थे उनके लिए एक तरह से सोचने समझने का मौका भी मिला और इस दरमियान गांधी की बात को सत्य पाया गया और सत्य मानते हुए अंग्रेज़ों ने भारत को पूर्णतः आज़ाद करने का जो एक मन था उसे बना लिया। जो इंग्लैंड के जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जॉर्ज एटली उन्होंने संसद में अपने बयान में दिया था अपने बयान में उसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी के नीतियों का अनुकरण करके महात्मा गांधी के रास्ते को अपनाकर भारत के लोग हमारे वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं जिससे लगातार हमें पिछले कई सालों से लगभग 5 साल से उन्हें जो घाटा हो रहा था इसका उन्होंने जो जिक्र किया इसके कारण जो है हमें उस देश को आज़ाद कर देना ही ठीक रहेगा क्योंकि हमने उसको उपनिवेश बनाया था फायदे के लिए ना कि घाटे के लिए। आप समझ सकते हैं कि गांधी की जो सोच थी गांधी की जो समझ थी वो कितनी दूरदर्शी थी। देश को आज़ाद भी उन्होंने कराया और कम से कम जान माल की क्षति पर उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने का जो प्रयास किया वह कहीं ना कहीं उस प्रयास में सफल भी हुए। लेकिन भारत आज़ादी के साथ साथ दो टुकड़ों में बटा। भारत आज़ादी के एक दिन पहले ही पाकिस्तान और अगले दिन भारत के रूप में जाना गया। आप समझ सकते हैं कि यहाँ महात्मा गांधी की जो नीतियाँ थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी रह गई थी जिसको उन्होंने अंग्रेज़ों को समझने में जो भूल की थी उसके लिए उन्हें पश्चाताप करना पड़ा। उन्हें कहीं ना कहीं फिर से इस बात के लिए प्रयासरत भी देखा गया कि ये देश दो टुकड़ों में न बटे। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान दो देश बने धर्म के आधार पर, लेकिन ऐसा हुआ। गांधी के न चाहने के बावजूद भी ऐसा ही हुआ क्योंकि अंग्रेज यही चाहते थे। आप समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बंटने के बाद आज तक इन दोनों देशों की जो स्थिति है इसका खामियाजा कहीं ना कहीं इस दोनों देश के नागरिक भुगत रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान आगे चलकर फिर एक और टुकड़े में बटा। पाकिस्तान जो है फिर एक बांग्लादेश के नाम से भी जाना गया, एक अलग देश उससे बना बांग्लादेश। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कट्टर सोच होती है जो धर्म के आधार पर लोगों की को बांटने की जो सोच होती है या किसी भी आधार पर जाति के आधार पर क्षेत्र के आधार पर या कहीं ना कहीं सही नहीं है इसे हमें समझने की कोशिश करनी होगी। और कहीं ना कहीं भारत जैसे देश में जहां अलग अलग क्षेत्र संप्रदाय जाति धर्म के लोग रहते हैं एक साथ रहते हैं इस देश में, ऐसे में इस देश के लिए इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो पाकिस्तान को आज़ाद कराने का श्रेय किसी और को जाता है, वो कहीं ना कहीं जिन्ना को जाता है, लेकिन महात्मा गांधी को वो श्रेय नहीं जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के प्रति जो कुछ तबके में कुछ लोगों में जो एक चीड़ थी जो एक उनके प्रति जो एक टीस थी
वो कहीं ना कहीं वो दिख जाती है। लेकिन महात्मा गांधी कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे, वो सभी धर्म को, सभी जाति को, सबको एक साथ लेकर चलना चाहते थे। यहाँ तक कि जिन्होंने इस देश में उपनिवेश स्थापित किया था उनके खिलाफ भी वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी ने जान माल की क्षति के बिना जो देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया, इसमें कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए, वो सफल रहे। और आज के इस एपिसोड में इतना ही, कल के एपिसोड में मैं फिर इससे आगे की बात करूंगा। हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए भोला भाई चौक। नमस्कार।